हाय गाइस, हियर इज शहजाद अहमद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 25। आज हम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में देखते हैं, इनका स्कोप क्या है एंड हम इन्हें यूज़ कैसे कर सकते हैं इन PHP। तो स्टार्ट करते हैं। दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, डॉलर वन इक्वल्स टू 10, कंट्रोल डी से सेम कॉपी बनाते हैं एंड हम 20 रखते हैं एंड वेरिएबल का नाम चेंज करते हैं। ओके, हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नेम देते हैं एंड हम बॉडी देते हैं, देन हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं। ओके, एंड हम वेरिएबल्स देते हैं फंक्शन को। फॉर इंस्टेंस, हम दो आर्गुमेंट पास करवाते हैं, वेल वन एंड वेल टू। ओके, हम वेस्ट करते हैं एंड हम एडिशन करवाते हैं, देन हम 20 एंड 20 आर्गुमेंट पास करते हैं। लोकल होस्ट में जाते हैं, फाइल सेव करवाने के बाद हम PHP 4 के नाम से, आपको पता है मेरे पास फोल्डर बना हुआ है। जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स डॉट PHP के नाम से मेरी फाइल बनी हुई है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। जैसे ही हम रन करते हैं, एरर दे रहा है लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 8 क्योंकि हमने सेमी कॉलन नहीं दिया, इसी वजह से लाइन दे रहा है एंड हमने एको नहीं करवाया। एको करवाते हैं, देख आप देख सकते हैं कि 40 आपका एको हो रहा है एडिशन होने के बाद। ओके, आपके जो ये वेरिएबल्स हैं डॉलर वन एंड डॉलर टू, ये हमारे ग्लोबल्स वेरिएबल हैं, इनका स्कोप ग्लोबल है। ठीक है, जो आपके ये वेरिएबल्स हैं वेल वन वेल टू, ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। जब तक फंक्शन चलेगा वो तब तक आप इनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आते हैं डॉलर वन, ओके, आप एको करते हैं तो आपका ये वन एको होगा। ओके, कमेंट करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो आपने वन डिफाइन किया हुआ है वो नीचे आपका एक्सेस हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप वेल वन करते हैं, आप देख सकते हैं कि आपको एरर दे रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल वेल वन। ओके, तो आप जो लोकली वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं आपने, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते अपने फंक्शंस के बाहर। ऐसे ही हम आते हैं अगर हम आर्ग्यूमेंट नहीं देते, ओके, सिर्फ फंक्शन लिखते हैं एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट के, हम ये जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ये फंक्शंस के अंदर कॉल करवा के देखते हैं कि आया ये कॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ओके, हम एको करते हैं, हम जाके सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं अनडिफाइंड वेरिएबल्स। आप ग्लोबल वेरिएबल्स को भी अपने फंक्शंस में कॉल नहीं करवा सकते। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कि हम अपने ग्लोबल वेरिएबल्स अपने फंक्शंस के अंदर कैसे कॉल करवाते हैं, या अपने फंक्शन के अंदर जो हमने लोकली वेरिएबल बनाए हुए हैं वो ग्लोबली हम कैसे कॉल करवा सकते हैं। तो देखते हैं, ग्लोबल के नाम से हमारे पास एक कीवर्ड है डॉलर वन कॉमा डॉलर टू। ओके, हम डॉलर वन प्लस डॉलर डॉलर वन प्लस डॉलर टू करते हैं एंड हम लाइन टर्मिनेट करते हैं एंड हम उसे डालते हैं डॉलर वन के अंदर ही। ओके, थोड़ा सा आपको क्लियरली नजर आए, देन हम एको करते हैं, जाके हम रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके वेरिएबल्स ग्लोबली हैं, लेकिन आप विदाउट आर्ग्यूमेंट के उन्हें कॉल करवा रहे हैं अपने फंक्शंस के अंदर। ओके, जैसे ही आप ग्लोबल कमेंट करते हैं तो आपको एरर दे देगा कि जो आप एक्सेस कर रहे हैं वेरिएबल वो आपके एक्सेस नहीं हो सकते, आपने डिफाइन नहीं किए हुए। आप एक तरीका ये है कि आप ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करें एंड दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ अभी, लेकिन आप जैसे ही दूसरा तरीका देखते हैं, बाद में देखते हैं हम कुछ। ओके, हम एक ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, दूसरा हम डॉलर हम वन यहां देंगे इक्वल्स टू
कॉपी पेस्ट करते हैं टाइम बचाने के लिए, प्लस ग्लोबल वन एंड टू, और हम एको करवाते हैं यहाँ पे लाइन नंबर 9, क्योंकि हमने लाइन टर्मिनेट नहीं की। आप देख सकते हैं कि आप का फिर भी एक्सेस हो रहा है, जो आपके दो वेरिएबल्स हैं। आप दो तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप डॉलर ग्लोबल्स एंड ब्रेसेस, देन सिंगल कोटेशन में वेरिएबल का नाम देंगे आप। हम जब एरेज के बारे में देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके मल्टी डायमेंशनल एरे या कीज एंड पेयर्स का हम कैसे जो है वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एंड तब आपको ये चीज़ें जो आप यहाँ देख रहे हैं फर्दर ही आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। एंड आपका जो हम देखेंगे आगे चल के डॉलर पोस्ट है, उसकी भी जो वो भी आप ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं, उसका भी स्कोप ग्लोबली होता है। तो ये था हमारा लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। आप चीज़ों को और भी देखें, आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।